डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक को देखते हैं। इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन माने क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे हमारा है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ना एक्स का वैल्यू होगा जीरो या 180। ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो या 180 पाई। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। माने जैसा कि एक्स का वैल्यू वेरिएबल हमारा जीरो और 2π के बीच होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद है कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन और एक होता है कि एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यू हदम होता है जीरो और पाई में, यानी इसको अगर एक राउंड घुमाते हैं तो 2π, 3π, 4π, 5π, यानी एक्स का वैल्यू होगा 0π, 2π, 3π, 4π, और इस तरह से बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ये सभी सॉल्यूशन को हम लोग एक फंक्शन में अगर लिख देते हैं, जैसे एक्स इज फंक्शन ऑफ एन में एन पाई, ठीक है, एन पाई, वेल एन क्या है, वेल एन इज एन इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर होगा, दैट इज एन बिलोंग्स टू सम जेड, जेड माने सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, वेल जेड को हम लोग लिखेंगे, जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये प्लस माइनस सब ले सकते हो, यानी एन के जगह अगर जीरो लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन लिखेंगे तो पाई हो जाएगा, टू लिखेंगे तो 2π, इस सभी सॉल्यूशन को ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन बताता है ये सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यानी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन हम लोग जो कि एक्स जीरो और 2π के बीच या जीरो के बराबर भी ले सकते हैं, जीरो और 2π के बीच भी लेंगे। ये जो सॉल्यूशन हम लोग अलग अलग निकाल देते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन होता है कि एक्स का वेरिएबल का सभी वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल के हम एक फंक्शन में एन का फंक्शन में या एन के एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर देंगे, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। Equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. Okay? और उसके बाद principal solution क्या है? Now the solutions of a trigonometric equation for which x greater than equal to 0 and less than 2π are called principal solutions. Again, the expression involving integer n which gives all solutions of a trigonometric equation is called the general solution. Okay? अब हम लोग देखते हैं कुछ जनरल सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। जैसे पहला, साइन एक्स अगर जीरो है तो एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ना एक्स इज इक्वल टू होगा एन पाई, काहे कि एन के जगह पर जीरो, वेयर एन क्या है, एन इज एन
इंटीजर या हम बोल सकते हैं इंटीजर या n belongs to सेट सेट ऑफ इंटीजर। ओके, फिर हमारा पास है अगर cos x जीरो हुआ तो क्या होगा ना, cos x का वैल्यू जीरो होता है तो यहां 1π/2 नहीं है 3π/2, यानी x का वैल्यू होता है 1π/2 3π/2 5π/2 इस तरह से होता है। तो जिसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ऑड π/2, दैट इज 2n+1 ऑड नंबर होता है π/2, वेयर n क्या है, n हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है। ओके, और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इतना ही होगा, क्या कि हम लोग 0 से 2 पाई के बीच हम लेंगे तो 90 और 270, π/2 3π/2, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन सभी वैल्यू को दे देगा। ठीक है, ये n के फंक्शन में हम लोग लिखेंगे। फिर सिमिलरली tan x 0 अगर होगा तो tan x माने sin x / cos x, यानी sin x 0 होगा, और sin x 0 अगर हुआ तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना, x is n pi, यानी हम लोग ये तीन फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि sin x 0 होने से फर्स्ट फॉर्मूला हुआ sin x 0 then x is n pi where n is an integer, two number cos x अगर 0 हुआ तो x होगा odd π/2, that is 2n+1 π/2। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है tan x sin x जैसे ही होता है, क्या कि tan x माने sin x / cos x, यानी sin x 0 तो tan x भी 0, तो x is equal to हो जाएगा n pi, where n हमारा इंटीजर है, यानी n belongs to z, z is the set of integer। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि sin x का वैल्यू अगर मान लो कोई भी वैल्यू sin अल्फा मिला तो x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, sin x is equal to sum k, और ये मान लो sin y है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, sin x is equal to sin y, तो यानी sin x minus sin y हमारा होगा 0, तो दिस इंप्लाइज sin c minus sin d का क्या फॉर्मूला है ना, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 is equal to 0, दिस इंप्लाइज ये इंटू ये 0 है, यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज cos x plus y by 2 is 0 और sin x minus y by 2 is 0। अब cos 0 अगर हुआ तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकला ना, x is odd π/2, यहाँ x के जगह पर x plus y by 2 is equal to odd π/2 और sin x 0 होगा तो x is equal to क्या होगा ना, n pi, तो this implies x is equal to 2 तो cancel होगा, x is equal to 2n+1 pi minus y, और यहां पर x is equal to हो रहा है 2n pi plus y, यानी दोनों मिला के अगर हम लोग दोनों को हम लोग ठीक से देखते हैं तो ये odd pi odd number, और यहां पर माइनस वाई है तो माइनस वन का पावर ऑड होता है माइनस हो जाता है, और अगर हम लोग इसको सेकंड वाला लेते हैं तो इवन पाई में माइनस वन का पावर इवन इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस को हम लोग ऐसे माइनस वन टू दी पावर ऑड, और यहां पर यानी वाई ये जो पाई का कोफिशियंट है, पाई का कोएफिशिएंट अगर ऑड है तो माइनस वन का पावर ऑड, पाई का कोएफिशिएंट अगर इवन है तो माइनस वन का पावर इवन, यानी दोनों को मिलाकर एक्स इज इक्वल टू हम लोग एन पाई लिख देते हैं, इवन और ऑड के जगह पर एन कोई भी वैल्यू है, और यहां पर क्या है ना, माइनस वन का पावर ऑड माइनस वन का पावर इवन, इवन एन अगर इवन है
तो माइनस वन का पावर इवन हो जाएगा, एन अगर ऑड है तो माइनस वन का पावर ऑड होगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, कंबाइनिंग दीज टू सॉल्यूशंस वी हैव, हम लोग ये पाएंगे, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन किसका, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू वाई। ओके, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो इसमें क्या है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई ये साइन सी माइनस साइन बी करके फॉर्मूला लगा देंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद ये जीरो इंटू, ये जीरो है तो आर एच एस जीरो में है, यानी हमारा सभी कॉफिशेंट जीरो होगा, टू तो जीरो नहीं हो सकता है, सभी कॉफिशेंट या कोई एक कॉफिशेंट जीरो होगा, तो टू यहाँ जीरो नहीं है, लेकिन कॉस जीरो अगर हुआ तो एक्स का वैल्यू ये होगा ऑड पाई इंटू माइनस वाई, ऑड पाई माइनस वाई। अगर साइन एक्स माइनस वाई बाई टू जीरो हुआ तो एक्स इज इक्वल टू इवन पाई प्लस वन, तो इवन पाई में प्लस हो रहा है, ऑड पाई में माइनस वन माइनस वाई होता है। तो इवन ऑड का क्या है ना, माइनस वन का पावर ऑड हुआ तो माइनस होता है, माइनस वन का पावर इवन हुआ तो प्लस होता है। इस तरह से हम लोग इसको दोनों को मिलाकर हम लोग एक एक फॉर्मूला में बदल देते हैं, ये इवन ऑड के जगह पर कोई एन बैठा देते हैं, और इवन हुआ तो माइनस वन का पावर इवन, ऑड हुआ तो माइनस वन का पावर ऑड। तो इस तरह से माइनस वन का पावर एन कर देते हैं, जहां पर एन इवन ऑड कुछ भी है, और एन जहां पर सेट ऑफ इंटीजर में से कोई एक मेंबर है। ओके, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ हमारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब कॉस के लिए क्या है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू सिमिलरली मान लेते हैं कॉस वाई, तो हमारा पास एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो इसके लिए कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी हम लिख देते हैं कॉस वाई माइनस कॉस एक्स कर देते हैं, ये फॉर्मूला को वाई माइनस एक्स कर देते हैं, क्या है कि हमारा पास कॉस सी माइनस कॉस डी अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है टू साइन सी प्लस डी, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन डी माइनस सी हो जाता है ना, डिफरेंस हम लोग साइन डी माइनस सी होता है, ठीक है, रिवर्स डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले से रिवर्स कर लेंगे, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, तो फायदा क्या होगा ना, यहाँ हो जाएगा टू साइन वाई प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये साइन साइन, ये दोनों फंक्शन साइन है, दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो होगा, तो वाई प्लस एक्स बाई टू इज जीरो, या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज जीरो। तो अगर साइन एक्स प्लस वाई जीरो है तो साइन जीरो होने से क्या होगा ना, एक्स का वैल्यू एन पाई होता है, तो दिस इंप्लाइज y प्लस एक्स या x प्लस वाई बाई टू इज एन पाई, और यहाँ पर x माइनस वाई बाई टू इज एन पाई। तो दोनों मिला के हम देखेंगे तो x का वैल्यू टू एन पाई माइनस वाई, और यहाँ x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस वाई, यानी x का हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेर y कोई एलिमेंट है जेड का, सेट ऑफ इंटीजर का। और इस तरह से हमारा एक और फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन निकल गया, जिसमें से एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ओके, अब हम लोग देखते हैं टेन एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अब हम लोग टेन एक्स का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं कि टेन वाई, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना है कि टेन एक्स में एक्स का वैल्यू की अगर ऑड पाई बाई टू हुआ तो ये अनडिफाइंड वैल्यू देगा, इसलिए ये याद रखना चाहिए कि वह एक्स वाई आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये हमको याद रखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान देंगे। तो अब 10x इज इक्वल टू 10y, तो 10x माइनस 10y क्या होगा, जीरो होगा। तो 10x क्या होता है ना, साइन x बाय कॉस x। 10y क्या होता है ना, साइन y बाय कॉस y, इट्स जीरो। तो दिस इंप्लाइज एलसीएम लेंगे कॉस x इंटू कॉस y, तो हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y, इट्स जीरो। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो रहा है ना, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, तो साइन a माइनस b ये जीरो हो जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस y n पाई होगा, यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 का फॉर्मूला सबसे बेहतर फॉर्मूला होता है, वेयर सिक्स फॉर्मूला हुआ 10x इज 10y, देन x इज एन पाई प्लस वाई, ये हमको इजीएस्ट फॉर्मूला बनता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 10x में अगर लाके हिसाब बना सके तो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक का, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री बुक का, अब लोग ये देखेंगे कि चार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड आल्सो जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 10x इज रूट थ्री, तो हम जानते हैं 10x का वैल्यू कितना में रूट थ्री होता है ना, साइन 60 रूट थ्री बाय टू बाय कॉस 60, यानी तुम बोल सकते हो 10 60, 10 पाई बाय थ्री। तो 10x इज 10y, तो पहले हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा रूट थ्री होता है 60 में, और कहाँ पॉजिटिव होता है, 10 का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होता है, यानी 180 प्लस पाई बाय थ्री, यानी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू पाई बाय थ्री और पाई प्लस पाई बाय थ्री, पाई प्लस पाई बाय थ्री यानी हो जाएगा पाई बाय थ्री और फोर पाई बाय थ्री, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन आर हो जाएगा x इज इक्वल टू 10x इज 10y, तो x इज इक्वल टू n pi प्लस y, y दैट इज पाई बाय थ्री, ये फॉर्मूला को निकाल बैठे। 10x इज 10y, देन x इज n pi प्लस पाई बाय थ्री, दैट इज n pi प्लस y, वेर एन क्या है, वेर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अब क्वेश्चन नंबर टू, सेक एक्स यहां पर टू है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस एक्स इज हाफ, कॉस का वैल्यू हाफ क्या होता है ना 30, कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 60 That is cos pi by 3, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सार हो जाएगा x इज इक्वल टू 60, और कहा cos पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, इसलिए हो जाएगा 2 pi माइनस pi by 3, तो हो जाएगा x का वैल्यू pi by 3 और 2 pi माइनस pi by 3,
कॉस का वैल्यू फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस का वैल्यू पॉजिटिव देता है, इसलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय थ्री एंड सिक्स माइनस फाइव पाई बाय थ्री। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन सात हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। वाई का वैल्यू हमारा क्या है? कॉस एक्स इज कॉस वाई पाई बाई थ्री, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में क्या है? कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री। अब हम लोग देखेंगे कि टेन का वैल्यू नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव होता है यहां और यहां, और टेन कितना में वन बाय रूट थ्री होता है ना, टेन थर्टी पाई बाय सिक्स इज वन बाय रूट थ्री। ओके, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स यहां पर होगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स नेगेटिव होता है, और एक होता है टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो यानी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा यहां पर दिस इक्वल टू हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा सिक्स फाइव पाई बाई सिक्स, और यहां एक्स का वैल्यू होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स और टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइव पाई बाय सिक्स, और एक होगा ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पाई बाय सिक्स। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यूज। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? न जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स के लिए क्या होता है? न एक्स इज इक्वल टू, न एक्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला एन पाई प्लस वाई, वाई दैट इज लीस्ट एंगल फाइव पाई बाय सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, ये फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ओके, ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसमें क्या है? कॉसेक एक्स माइनस टू, यानी रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन एक्स इज माइनस हाफ। तो पहले प्लस हाफ कहां होता है? साइन एक्स का वैल्यू प्लस हाफ होता है साइन थर्टी हाफ पाई बाय सिक्स, साइन थर्टी हाफ। तो साइन थर्टी हाफ अगर हुआ तो हमारा क्या होगा? माइनस हाफ कहां होगा? ना माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एक्स इज इक्वल टू होगा, एक्स इज इक्वल टू हम लोग अगर लिखेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कहां? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट माने हो गया पाई प्लस पाई बाय सिक्स, यहां पर साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, और एक टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमारा हो गया एक्स का वैल्यू सेवन पाई बाय सिक्स, और एक हो गया इलेवन पाई बाय सिक्स। ओके, और यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल टू साइन सेवन पाई बाय सिक्स लीस्ट वैल्यू, तो साइन एक्स इज साइन वाई, तो एक्स का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा इज सेवन पाई बाय सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग को क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव ये पता होना चाहिए, और उसके बाद कॉस टू पाई माइनस थीटा इज सेम कॉस थीटा, ठीक है, कॉस टू पाई माइनस कॉस का कॉस ही होता है मतलब,
और यहाँ पर है कि क्वाड्रेंट हमको देखना है कि कौन पॉजिटिव कहाँ कौन नेगेटिव, ठीक है। जैसे साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी माइनस साइन थीटा, साइन टू पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस को हमको समझ लेना है, जैसे कोसेक, कोसेक को साइन कर दिया तो साइन अब कहां पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये हम पता लगा लिए। टेन एक्स यहाँ पर कॉट एक्स माइनस रूट थ्री यानी टेन एक्स वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू किसमें होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है वन बाय रूट थ्री सी थर्टी डिग्री में, तो थर्टी दैट इज पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स। अब नेगेटिव कहाँ होता है, टेन का वैल्यू नेगेटिव यहाँ और यहाँ, तो यानी पाई माइनस थर्टी और टू पाई माइनस थर्टी। ओके, पाई पाई टू पाई प्लस माइनस करते जाएंगे, क्योंकि ये दो केस में हमारा साइन का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं होता है, ये हमको ध्यान देना।